एकात्म यात्रा, एकात्म यात्रा स्वामी जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है स्वामी श्री सर्वानंद महाराज। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने गत वर्ष इस इन्हीं दिनों में और नर्मदा सेवा यात्रा जो है उसका समापन किया। उसी समय पर साधु संत ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा समागम ओमकारेश्वर की धरती पे रखा गया था। वहीं पर यह निर्णय हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ओमकारेश्वर में किया, जिन्होंने ओमकारेश्वर में अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर और नर्मदा अष्टक गाया, जिन्होंने ओमकारेश्वर से संन्यास लिया, वहाँ पे क्यों ना 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई जाए। उसी तारतम्य में इस वर्ष ये यात्रा प्रारंभ किया गया 19 तारीख को और चार यात्रा प्रारंभ हुई। एक उज्जैन संभाग और संपूर्ण ग्वालियर संभाग होते हुए 21 तारीख रात को ओमकारेश्वर, दूसरी यात्रा अमरकंटक से, अमरकंटक जबलपुर और मंडला बालाघाट सिवनी बैतूल इन सब जिलों को करते हुए, वो भी 21 तारीख को ओमकारेश्वर। तीसरी यात्रा जो है वो हमारी रहेगी रीवा से चलकर पचमठा से चलकर रीवा सतना सीधी शहडोल, वहाँ होकर सागर भोपाल रायसेन सीहोर होकर के 21 तारीख रात को ये यात्रा भी वहीं पहुँचेगी। और चौथी और अति महत्वपूर्ण यात्रा वो भी 19 तारीख को, ये चारों यात्रा एक साथ 19 तारीख को प्रारंभ हुई है और वो ओमकारेश्वर से चलकर ओमकारेश्वर में ही पहुंचेगी। वो 19 तारीख को ओमकारेश्वर से होकर ओमकारेश्वर मंडला, ओमकारेश्वर से सीधे खंडवा खरगोन मंदसौर नीमच रतलाम होकर के 21 की रात को पहुँचेगी। 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और अनेक साधु संत, लगभग 2500 साधु संत ऋषि मुनि ये सब लोग ओमकारेश्वर की पवित्र धरती पर और एकत्रित होंगे। उस दिन ये चारों यात्राओं का एक साथ विराम होगा और वहीं पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री और साधु संतों के हाथों से वहाँ पर होगा। उसी तारतम्य में आज ये दूसरे नंबर की यात्रा जो उज्जैन से चली थी, तो उज्जैन इंदौर ग्रामीण देवास राजगढ़ ऊना होकर के वो आज आपके शिवपुरी होकर के और दतिया प्रवेश करने की स्थिति में है। ये यात्रा ग्वालियर संभाग के सभी समस्त जिलों में होते हुए और 21 की रात को और इंदौर होकर ओमकारेश्वर पहुँचेगी।